हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा केजी सूरन लिया है। इसे हमने छीलकर अच्छी तरह से धोकर टुकड़ों में काट लिया है, देखिए इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी में दो चम्मच सरसों ले लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें हम इसी तरह आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। एक छोटा सा प्याज लिया है जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इस सरसों को इस जार में डाल देंगे। आधा घंटा हो चुका है तो अब हम सरसों को पीस लेते हैं। प्याज डाल देंगे, अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए इसे हमने पीस लिया है। इसे एकदम पेस्ट के जैसा पीसना है, इस तरह से। अब सरसों पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम आधा कप से थोड़ा ज़्यादा तेल डाल देंगे। गैस मीडियम कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब सूरन को इस तेल में डाल देंगे। एक एक करके डालेंगे, जितना इसमें आ सके उतना सूरन इसमें डाल देंगे। गैस हम मीडियम ही रखेंगे। एक मिनट बाद इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब ये दोनों तरफ से हल्का गोल्डन हो चुके हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे हुए सूरन को फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी सूरन को फ्राई कर लिया है। अब गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे। तो अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सरसों। सरसों को चटकने देंगे। तो सरसों चटक चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई सरसों। मिला देंगे। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच नमक डाल देंगे। मिला देंगे। 4 से 5 चम्मच पानी डाल देंगे। मिला देंगे इसे अच्छी तरह से। मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले अच्छी तरह से भून न जाए। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गया है। मसाले को भुनने में हमें 9 से 10 मिनट लगे हैं। तो अब इसमें पानी डाल देंगे। मिला देंगे। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा या पतला। अब इस ग्रेवी में सूरन को डाल देंगे। मिला देंगे। अब कढ़ाई को गैस पर से हम उतार लेंगे और गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और इसे कुकर में डाल देंगे।
अब इसका ढक्कन लगा देंगे और गैस फुल कर देंगे और इसमें 2 से 3 सीटी लगने देंगे। तो 3 सीटी लग चुके हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो कुकर ठंडा हो चुका है, तो अब इसका ढक्कन खोल देंगे। चलिए देख लेते हैं सूरन अच्छी तरह से पकी कि नहीं। देखिए सूरन अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब सूरन की सब्जी बनकर तैयार है, तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से सूरन की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।